का जो नया इलेक्शन है, जो नया प्रेसिडेंट है, और जितना आया का जो मेंबर है, अपनी सजेशन है बोल के। हाँ, अभी अभी मैंने आप लोग को लेक्चर में भी बताया था, इनका कैबिनेट सेट नहीं हुआ। कैबिनेट सेट होने के बाद किस हिसाब से काम करने में पूरा पूरा उन लोग को सजेशन दे रहा हूँ। मैं तो इन लोग का गाइड भी हूँ, बड़ा भाई भी हूँ, और जो कुछ भी करना है मेरा पूर्ण विश्वास है इन लोग मेरे साथ मिल के काम करेंगे, और इन लोग को मैं रॉन्ग डायरेक्शन में कभी लेके नहीं जाएगी। और सर, और वो कुछ पब्लिक मैसेज, सर कुछ पब्लिक के लिए मैसेज? पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, यूथ जो होता है कल का रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, तो इसलिए यूथ का आइडियोलॉजी अगर अच्छा है उनको जो फॉलो करें और उनको सपोर्ट भी करना है, उनका साथ निभाना है। गलती बोलता है सामने बुला करके इन लोग को समझाना है। यूथ को टुकड़ा के ओल्डर जी नहीं सकता है, यूथ को नेग्लेक्ट करके ओल्डर जी नहीं सकता है, लेकिन यूथ भी बिना ओल्ड से नहीं रह सकता है। इसलिए सजेशन फ्रॉम ओल्ड, एक्शन बाई यूथ, हम लोग सब उसको फॉलो करना है। थैंक यू सर। Today is a special day, particularly for we youth, as this day is being celebrated as National Youth Day across the country to mark the birth anniversary of Swami Vivekananda, who is one of the greatest youth icon. Therefore, I wish you all a happy National Youth Day. First of all, congratulations to Tapi Mali and his team of executive members on behalf of the general administration and on behalf of the police department. मैं हिंदी से बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमें हमारे गांव के लोग बहुत हैं। मैं यहाँ में ये बोलना चाहती हूँ कि there is a saying, slow and steady wins the race. ये प्रभाव को मैंने देखा है कि तापी माली ने बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। तापी माली का फेस में थोड़ा सा भी एंजाइटी नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाया, और कुछ एक्सप्रेशन मैंने नहीं दिखाया। ही वॉज सो नॉर्मल एंड आई शुड से तापी माली इज अ डिसिप्लिन यूथ and he behaves very well. All the officers, HODs were also noticing, everyone was noticing. He behaved so well. So I request all the youths to follow your leader, to behave well with everyone. तो बहुत लोग यहाँ में भी executive members लोग को हम नहीं पहचाने हैं सब लोग, ये लोग भी जरूर अच्छा ही बिहेव किया होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि बीइंग यूथ, ये आज यूथ का दिन है, तो आप लोग ये डिटर्मिनेशन लेना है कि यूथ्स आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। तो यूथ्स लोग आज ही कसम खाइए कि 3 साल का क्यों ना हो, आप लोग अपना लोगों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे और आपताने के लिए जरूर आप लोग वंडरफुल वर्क करेंगे और सबको कोऑपरेट करेंगे। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एंड ऑल द एचओडीज आर विद यू, आप लोग को हमेशा साथ देंगे। और आज का दिन में एंजॉयमेंट के लिए बुलाया, खाना खाने के लिए बुलाया, इसी के लिए मैं तापी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मोर ओवर आज का दिन में इतना हम लोग को भगवान भी ब्लेसिंग दिया है कि ठीक समय में प्रोग्राम समय में बारिश भी नहीं हुआ और सुबह में ब्लेसिंग के लिए बारिश हुआ है, इसके लिए ईश्वर को भी धन्यवाद। और वंस अगेन ऑल द यूथ्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बिहेव वेल। आप लोग अच्छा ही बिहेव करता है बहुत लोग, लेकिन वी एक्सपेक्ट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन भी होता है। कोई कोई खराब मत पाइए, बहुत नेस्टी बिहेव करता है, इतना कमेंटिंग करता है कि एल्डर्स को भी भूल जाता है। ऐसा मत कीजिए, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग जरूर अच्छा बिहेव करेंगे। एंड थ्री
बेस्ट टर्म होना चाहिए, बेस्ट टीम होना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।